दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ यहाँ मुंबई के फोटो फेयर 2020 में, और जो लोग इस फेयर में नहीं आ पाए हैं दोस्तों, तो मैं आज आपको इस पूरे फेयर के जो है दर्शन कराने वाला हूँ। दोस्तों ये जो फेयर है दो साल में एक बार होता है मुंबई में, और गोरेगांव में NSE ग्राउंड है जहाँ पर ये फेयर होता है। और दोस्तों हमने क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पीछे आप देख पा रहे हैं ये, तो बहुत जल्दी से हमें जो है हमारा विजिटर कार्ड मिल गया यहाँ 150 रुपये में जो है आसानी से हमें ऑनलाइन मिल गया है। वैसे इस फेयर की फ़ीस है कुछ 300 रुपये फॉर 3 डेज़, और जब आप फी पे करते हैं ये विज़िटर कार्ड लेते हैं तो साथ में आपको मिलता है एक छोटा सा ये इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग फेयर का बैग, और साथ में आपको मिलती है एक मैगज़ीन, देखिए क्लासिक इमेजिंग मैगज़ीन जो है ये मिल रहा है, और एक आपको मिलता है रिस्ट बैंड, यानी कि इस रिस्ट बैंड को आपको 3 दिन पहना है अगर आपको अंदर जाना है। तो दोस्तों चलिए अब अंदर चलते हैं और करते हैं पूरे फेयर के दर्शन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं पीछे है यहाँ पर हमारा विजिटर्स की एंट्री, तो एंटर करते हैं और फिर लेते हैं पूरा फेयर का मज़ा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने यहाँ एंटर किया तो पीछे जो सबसे पहला काउंटर में दिखाई दे रहा है वो है सोनी का, काफ़ी बड़ा स्टॉल लगाया है सोनी ने। और दोस्तों मेरा जो आज का मकसद है वो ये कि पहले हम एक चक्कर लगा लें पूरे फेयर का, ताकि आप देख पाएँ कि भाई कितने लोग हैं, कौन कौन सी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और कल से जो है हम फिर जो भी यहाँ पे बेस्ट स्टॉल्स रहेगा, जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पर हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, और ताकि जो दर्शक हमारे इस फेयर में नहीं आ पाए हैं उनके लिए हम जो है घर बैठे हमारे YouTube चैनल पे उनको पूरा फेयर। जो YouTube पे चैनल चल रहा है ना, हाँ, तो उसका मैं ज़्यादातर देखता रहता हूँ कि भाई तुम आप जो फोटोग्राफी करते हो, और मैं फिलहाल तो मैं कैनन यूज़र हूँ, ओके, मेरे पास 5D मार्क 4 है, हाँ, फिर भी आप ज़्यादातर निकॉन ही यूज़ करते हैं, मगर निकॉन मेरे पास निकॉन है, हाँ, रिकॉर्डिंग कैनन भी हो रहा है। अच्छा बराबर, मगर वो फोटोग्राफी तो चीज़ ऐसी है, निकॉन हो या कैनन हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप कैसे फोटोग्राफी आपको अगर अच्छी आती है तो इवन हम सोनी के स्टॉल पे खड़े हैं, बट आप ले सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका भी देखता रहता हूं। चलिए आपको आपसे मिलकर खुशी हुई और एंड ऑल द बेस्ट, ओके थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर देखा कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, तो अच्छा लगता है लोगों से मिलके। और दोस्तों सोनी के बाजू में बिल्कुल जो है दूसरा स्टॉल है वो है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं टैमरॉन का, और टैमरॉन के जो है आप जानते हैं कि बहुत अच्छे लेंसेज आते हैं, निकॉन और कैनन दोनों के लेंसेज बनाते हैं, तो कल थोड़ा यहाँ पर जाएंगे अच्छे से देखेंगे, आज एक झलक लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा बीरोल देखते हैं। हाँ जी भाई, औरंगाबाद, ओके थैंक यू, थैंक यू सर। चैनल से हेल्प मिल रहा है थोड़ा, सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर है, ओके रेगुलर देख रहे हैं वीडियो, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत सारे फेयर के अंदर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है निकॉन का स्टॉल, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं निकॉन का जो है न्यू अराइवल आ गया है D780, और ये कैमरा जो है मैं आज नहीं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि आज हम पूरा फेयर घूम रहे हैं, और D780 और Z50 दोनों जो है हम कल देखेंगे और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे निकॉन के स्टॉल पर। तो काफ़ी साउंड है, बहुत शोर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपको दिखा सकूँ उतना मैं फेयर जो है आज कवर करूँगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ज़ाइस के स्टॉल के बाहर, जैसे कि आप जानते हैं ज़ाइस के जो लेंसेज हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लेंसेज आते हैं। चलिए झलक देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में, और फिर कल हम जो है कुछ जो लेंसेज इनके नई सीरीज है उसके बारे में यहाँ पर किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे, देखते हैं झलक। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ एक स्टॉल के बाहर, यहाँ आपको
कैमरा फोटोग्राफी से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मिलेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है जोबी का गोरिल्ला पॉड्स आपको मिलेंगे, मैन फ्रोटो के यहाँ पर आपको जो है सारे ट्राईपॉड्स मिल जाएंगे, आपको गिट्जो ब्रांड है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं एवेंजर है यहाँ पे, उसके अलावा आप देख पा रहे हैं लो प्रो जो कैमरा बैग्स आते हैं। तो एक छोटा सा बी रोल देखते हैं कि कैसा स्टॉल है, ताकि आपको आप लोगों को जो लोग आ नहीं पाए इस फेयर में उनको पूरा आइडिया मिलेगा कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन से ब्रांड्स जो अच्छे वो अवेलेबल है। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है इस स्टॉल के अंदर मैन फ्रोटो के काफ़ी सारे ट्राईपॉड्स, अलग अलग मॉडल्स हैं और हर रेट में आपको मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा मुझे एक ये, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जोबी का जो है, देखिए ये जोबी ब्रांड के आपको मिल रहे हैं इधर गोरिल्ला पॉड्स है। सो जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है सब चीज़ यहाँ आपको मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके ब्लोअप्स हैं, ये सब ब्रांड्स वेदर इट्स एवेंजर, लेस्टोलाइट, गिट्जो, लो प्रो, जोबी, मैन फ्रोटो, सभी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए भी अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ लगा के रखा है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके अलावा देखिए लो प्रो के कैमरा बैग्स, लो प्रो आप जानते हैं काफ़ी फेमस जो है एक ब्रांड है कैमरा बैग्स का, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं देखिए सारे लेटेस्ट लो प्रो के जो है कैमरा बैग्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बॉल हेड आप देख पा रहे हैं, ये जो है बॉल हेड आपको सब आपको अलग अलग आपकी यूसेज के हिसाब से आपको सारे बॉल हेड्स मिल जाएंगे। प्रोडक्ट डिटेलिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं इस तरह के ब्लोअप्स, ताकि आप आसानी से जो है प्रोडक्ट को समझ पाएँ। सो ओवरऑल जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉल लगा, यहाँ पर मैन फ्रोटो के कैमरा बैग्स भी हैं देखिए। तो दोस्तों अब हम जो आ गए हैं यहाँ पर रोड के स्टॉल पे, आप जाते हैं कि रोड एक जो है माइक्रोफोन्स की जानी मानी कंपनी है, और जो साउंड अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मेरे पास भी आप देख पा रहे हैं, ये रोड का ही जो है वायरलेस माइक है। तो चलिए थोड़ी सी झलक देखते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक हल्की सी नज़र डालते हैं, फिर कल जो है थोड़े से इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है रोड के कुछ लेटेस्ट माइक्रोफोन्स, और यहाँ इन्होंने एक पूरा ब्लो अप लगाया हुआ है इस तरह से, और यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट माइक्रोफोन्स को। तो रोड जो है काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है, जिन लोगों ने यूज़ किया वो जानते हैं कि भाई कितनी अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको साउंड मिलता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सेल पर हैं यहाँ पर, ये देखिए छोटी छोटी एक्सेसरीज़ जो कि ऑडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये है इनके मेजर माइक, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और मकसद ये दोस्तों कि जितना कवर कर सके एग्जीबिशन में आपको उतने प्रोडक्ट्स हम दिखाएँ, उतने स्टॉल आपको दिखाएँ, ताकि जो लोग फेयर में नहीं आए उनको एक जो है आइडिया मिले कि भाई ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ लेटेस्ट माइक, ये इनका आप देख पा रहे हैं पूरा परफॉर्मर किट है, ये जो है नीचे ये वाला माइक मेरे पास भी है वायरलेस गो, सो दैट्स इट। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पर DJI के स्टॉल पर, और जैसे कि आप जानते हैं इनके जो है गिम्बल्स और इनके ड्रोन्स काफ़ी फेमस हैं। तो एक छोटी सी झलक देखते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं ये लेकर आए हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है इसका ऑस्मो पॉकेट, और यहाँ पर जो है सारा इंस्ट्रक्शंस हैं इनके, दिस इज़ फ्रॉम ऑस्मो मोबाइल 3, ऑस्मो एक्शन, और यहाँ पर एक डेमो चल रहा है देखिए, ये आप देख पा रहे हैं इनका इस तरह से जो है पूरा, यहाँ पे एक पूरा गिम्बल का डेमो है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सीख पा रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है गिम्बल के क्या क्या फीचर्स हैं, और कौन कौन से कैमरा जो है, किस कौन सा मॉडल है, साथ में लकी ड्रॉ भी है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, आई थिंक ये रॉनिन का SC है मॉडल जो जिस पे ये डेमो चल रहा है। उसके अलावा देख पाएंगे देखिए यहाँ पर एक और इनका, ये इनका जो है ड्रोन आप देख पा रहे हैं DJI का, इसका भी जो है इन्होंने पूरा एक यहाँ पर छोटा सा डेमो रखा है। सो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं DJI के, एंड दिस इज़ वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम DJI, एंड यहाँ पर इन्होंने जो है ग्लोब्स दिए हुए सारे, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की जो है आपको जानकारी मिल जाएगी, रॉनिन S, मैविक मिनी एंड मैविक 2 जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो DJI का स्टॉल छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है एक पूरा
एक स्टॉल बनाया है और काफ़ी अच्छे से जो है ये कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, हमें अलाउ किया उन्होंने शूट करने के लिए। आपका वीडियो यूट्यूब पे सभी वीडियो देखता होगा। ओके जो क्रिएटिव शॉर्ट्स दिखाते हो अच्छे लगे, पसंद आते हैं आपको? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किया हो आपका, पहला कौन सा वीडियो फर्स्ट देखता हूँ? थैंक यू सो मच, बहुत खुशी आपसे मिलके, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच। ओके एक मिनट, हाँ सर, मैं थैंक यू सो मच मधु बोल के, हाँ आपका देखते रहते सर मैं। ओके थैंक यू सो मच। ओके तो एक सब्सक्राइबर हमें मिल गया अभी, आपको चैनल पे हेल्प मिल रहा है, ऐसे ही बनाते रहे आप। Thank you so much. Nice meeting you. Thank you. Can I take some? Yeah, please. Thanks a lot, sir. Nice. Thank you so much. Thank you so much. तो दोस्तों जब अपने फैंस से और अपने सब्सक्राइबर से मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये मुंबई से, ये नाला सोपारे से, और हमारा चैनल देखते हैं और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। मैं बस यहाँ पर एक वीडियो कवर करने आया था स्टॉल को और यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू। सो फ्रेंड्स अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, चाइना का एक ब्रांड है काफ़ी फेमस, आप देख पा रहे हैं कैन यू, और ये लोग बनाते हैं रिंग लाइट्स। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या व्लॉगर हैं या आप यूट्यूब के वीडियोज़ बनाते हैं या फिर आपको ज़रूरत है ऑन लोकेशन आप शूट करते हैं प्री वेडिंग्स जहाँ पर आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये जो रिंग लाइट्स है काफ़ी अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी झलक देखते हैं और मैं आपको पास में से थोड़ा दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से जो है ये सारे रिंग लाइट्स हैं। ये भी इन्होंने लाइट को ऑफ किया है यहाँ पे, एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट्स। सो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स है, ये देखिए यहाँ इन्होंने जलाया है, अभी स्विच ऑन किया है। एंड दीज रिंग लाइट्स आर वेरी वेरी पॉपुलर नाउ डेज, और काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग वाले हैं, वो सब इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आपको मैं इनके स्टॉल पे लेके जाऊं और थोड़ा सा दिखाऊं आपको। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ नोवा डिजिटल मीडिया के स्टॉल के आगे। यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको ड्राई कैबिनेट्स हैं और आपको मिलेंगे यहाँ पर वायरलेस माइक, माइक विद वायर्स। उसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको कैमरा बैग्स, ट्रॉली बैग्स और आपको ट्राईपॉड्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए झलक देखते हैं स्टॉल की और आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है यहाँ का ड्राई कैबिनेट्स। यहाँ आप अपने कैमरा को जो है बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं, कोई फंगस या किसी भी तरह का जो है मॉइस्चर एंटर नहीं होगा। सो ये मैक्सिमो का है और अलग अलग जो है आपको रेट्स डिपेंडिंग कि आप कौन सा कैबिनेट ले रहे हैं वो आपको मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। और अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको रिंग लाइट्स हैं, ये सब अवेलेबल है। सामने आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं कैमरा बैग्स हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा कॉर्नर में जाएंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन और कर रहा हूँ तो आप सामने देख पा रहे हैं, देखिए ये जो है यहाँ पर आपको इनके जो माइक्स हैं, ये सेरेमोनिक और भी अलग अलग ब्रांड्स के माइक्स आपको सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो ओवरऑल जो दोस्तों नोवा डिजिटल मीडिया के पास जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पर और डेमो भी जो है काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं ये। यहाँ पर आपको जो ऑप्टिकल क्लीनिंग किट बहुत अच्छी है यहाँ पर जो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं सेंसर क्लीनिंग किट है यहाँ इनके पास, एंड मैक्सिमो के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इधर। दीज आर ऑल सेरेमोनिक के जो है माइक्स हैं यहाँ पर, सो यू विल गेट ऑल द मॉडल्स। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सिम्पेक्स के स्टॉल के बाहर, और यहाँ पर सिम्पेक्स के जो लाइट हैं, लाइटिंग गियर्स हैं, आप देख पा रहे हैं कि सब बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, सिम्पेक्स से ही शुरू करते हैं। तो एक अंदर जाते हैं, एक झलक देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है सिम्पेक्स की 23RT प्रो RT सीरीज बेसिक लाइट है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं सिम्पेक्स का SL500 मॉडल, और यहाँ पर इन्होंने जो है इसके देखिए इस तरह से सारे ब्रोशर्स भी रखे हुए हैं ताकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सारी जानकारी मिले। और ये आप देख पा रहे हैं इनका LED लाइट भी है यहाँ पर। ये इन्होंने बाहर एक छोटा सा विंडो बनाया हुआ है जहाँ पे इन्होंने स्मॉल एक्सेसरीज अपनी रखी हुई हैं। चलिए एक अंदर राउंड मारते हैं। ये देखिए सिम्पेक्स के फ़ोटो एंड वीडियो के लिए छोटे छोटे सॉफ्ट बॉक्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मैं आपको अभी अंदर ले चलता हूँ दोस्तों ताकि थोड़ा सा मैं आपको वहाँ थोड़े अच्छे से और प्रोडक्ट्स को दिखा सकूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है इनके स्मॉल LED लाइट्स हैं,
प्राइसिंग भी जो है यहाँ लिखी हुई है, 17,000 रुपये की जो है ये एक LED का सेटअप है। और ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर पूरा डेमो चल रहा है सिंपेक्स के फ़ोटो एंड वीडियो के जो गेयर्स हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ ऊपर देखिए इन्होंने जो है ये छोटा वाला जो है एक पूरा ऑक्टा बॉक्स ये लगाया हुआ है 3 फीट ऑक्टा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं देखिए अलग अलग डिफरेंट ऑक्टाज हैं अलग अलग साइज़ में। और ये इनके ब्लॉग्स हैं जहाँ पर पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है। सिंपेक्स LED CL500 मॉडल है, 30 SL30 मॉडल है जो कि स्टूडियो लाइट के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इनके जो आप कैमरा बैग्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है लाइट्स परचेज कर रहे हैं बिकॉज सिंपेक्स इज़ वेरी पॉपुलर अमंग ऑल बिगनर्स। तो ये इनके जो हैं फ्लैश गन देख पा रहे हैं आप, तो ये इनके सभी रेंजेस में जो है फ्लैश गन मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर आप यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ देखिए। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टॉल। तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्टॉल का भी दर्शन जो है हम अपने दर्शकों को कराएं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ बोया माइक के सामने, और बोया के माइक्रोफोन्स जो हैं वो काफ़ी चीप और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इनके एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि डेमो दे रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको पास में लेके चलता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं ये इनके सारे माइक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर बोया के। ये देखिए यहाँ पर ये शॉटगन माइक, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका वायरलेस सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। एंड ये जो है बोया के काफ़ी जो है फेमस चीप माइक हैं जो कि 20 मीटर वायर के साथ आते हैं। तो काफ़ी अच्छा और सुंदर स्टॉल बनाया है बोया ने यहाँ पर। और ये देखिए ये माइक मेरे पास भी था पहले WM4, और काफ़ी अच्छा माइक है, काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है आपको। एंड काफ़ी अच्छा स्टॉल था तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमें विज़िट करना चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर डिजिटेक के सामने, और डिजिटेक का जो स्टॉल है बहुत लंबा है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी लंबा स्टॉल है इनका। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो है आपको एंड तक काफ़ी लंबा स्टॉल है इनका। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं देखिए डिजिटेक का जो है आपको यहाँ पर प्रोफेशनल साउंड बॉक्सेस मिल जाएंगे इनके, जो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ में हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनका पूरा फ्लैश लाइट, रिंग लाइट, ये एक उन्होंने पूरा जो है डेमो चल रहा है। बहुत ही बड़ा स्टॉल जो है इन्होंने लगाया है। इधर आप देख पा रहे हैं देखिए पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो है आपका 3-axis स्मार्टफोन गिम्बल है इनका, और यहाँ पर इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को जो है अच्छे से रखा हुआ है। एंड ये आप देख पा रहे हैं इनका छोटा सा स्मॉल LED लाइट्स हैं जो कि काफ़ी काम की होती हैं छोटे छोटे वीडियोग्राफर्स के लिए। एंड हेयर यू कैन सी बोया के माइक्स भी ये सेल कर रहे हैं। सो काफ़ी बड़ा स्टॉल है, यहाँ पर रिंग लाइट्स आप देख पा रहे हैं। और इसके पीछे आप देखेंगे इनके ब्लॉग्स पे तो उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन दी अपने सभी प्रोडक्ट्स की विद मॉडल नंबर के साथ में। देखिए आप इधर देख पा रहे हैं इस तरह से, एंड दिस इज़ डिजिटेक बाई कलर LED रिंग लाइट। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो रिंग लाइट्स हैं आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं अमंग ऑल फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स। और यहाँ पर जो है इनके आप देख पा रहे हैं इनका जो है स्ट्रोब लाइट्स हैं डिजिटेक की, डिफरेंट मॉडल्स हैं 410 प्रो प्लस। एंड यहाँ पर ये इनका जो है पूरा ये इनका मिनी है डिजिटेक का जो है कंटिन्यूस लाइटिंग सिस्टम है जो लगभग करीब 6,000 रुपीज़ के अंदर है। प्रोडक्ट के मैनुअल्स हैं यहाँ इन्होंने इस तरह से रखे हुए हैं जहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको ट्राईपॉड मिलेंगे, मोनोपॉड्स हैं। ये पीछे ब्लॉग्स पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है विद मॉडल नंबर्स, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर डेमो दिया जा रहा है। एंड उसके आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है डिफरेंट लेंसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको है बैटरी चार्जर, ये आपको जो है विल्ट्रॉक्स के लेंसेज। तो डिजिटेक जो है एक मल्टी ब्रांड जो है यहाँ पर सेल कर रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देखिए ये इनके जो है लेंसेज, इधर आप देख पा रहे हैं देखिए इस तरह से काफ़ी रश है यहाँ पे दोस्तों। और ये जो कॉर्नर है ये उन्होंने बनाया है जो कि छोटी छोटी एक्सेसरीज़ के लिए है,
जहाँ पे आपको जो है SD कार्ड, बैटरी चार्जर्स और भी अलग अलग तरह की जो है एक्सेसरीज, क्लीनिंग किट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको जो है कैमकॉर्डर के लिए, ड्रोन्स के लिए, एक्शन कैमरा के लिए, जो भी छोटे छोटे एक्सेसरीज़ हैं वो सब आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। सो ये स्टॉल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी सारे जो है इनकी वेराइटीज़ बहुत है यहाँ पे दोस्तों। बहुत मस्त सर आप काम कर रहे हैं। कहाँ से आप? मैं बड़ौदा, गुजरात। बड़ौदा से। रोज आपका चैनल हर एक्सप्रेस देखा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आपको चैनल पे मैं लोगों से मिला देता हूं एक बार। एक मिनट। सो क्या व्हाट्स योर गुड नेम वन सेकंड? उमेश भाटिया फ्रॉम बड़ौदा। सो उमेश जी हैं, बड़ौदा से हैं और काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी यहां कवर कर रहा था तो आके मिले ये। सो खुशी होती है जब हम इतनी आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो लगता है कि और मेहनत करनी पड़ेगी चैनल पे। सो थैंक यू सो मच उमेश जी, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। ओके यूट्यूब पे देखते हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है, आपको हेल्प मिल रहा है। बहुत कुछ सिखाऊं मैं आपसे। थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? पुणे से। पुणे से बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे लिए आसान करके दी। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। हाँ जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। मुझे आइडिया नहीं था कि इतने लोग चैनल देखते हैं और यहाँ फेयर में आने से ये चीज़ अच्छी हुई कि सबसे पर्सनली मैं मिल सका और उनका फीडबैक मिला। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी है चैनल पे। तो दोस्तों आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतने ही रखूँ क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ मैं और कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। और कल जो है हम और भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो है आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे। वहाँ पर हम स्टॉल में जाएंगे अंदर और वहाँ प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा उन प्रोडक्ट्स के बारे में, थोड़ी जानकारी मिलेगी। और यही हमारा मकसद है कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री को हम ऊपर लेके जाएं, फोटोग्राफर्स को ऊपर लेके जाएं और जो भी चीज़ हम कर सकते हैं, जितना भी हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं आपके साथ वो करें, जिससे कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन्हें भी एक बेनिफिट होगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।